वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, बहुत ही यूनिक सी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जिसके हेल्प से आप यहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट को यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको घर पर बैठकर यहाँ पर 1000, 2000, 3000 तक कमाना है, उससे ज्यादा भी कमाना है, तो डेफिनेटली गाइज आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि आजकल के जमाने में, आजकल के फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में राइटिंग वर्क का बहुत ही ज्यादा डिमांड है। काफी सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पर राइटिंग का वर्क करके अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पर ले रहे हैं। वो लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे दोस्तों, वो लोग घर पर बैठकर इस काम को कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इसके थ्रू वो लोग यहाँ पर अपने अर्निंग को जो है बढ़ा रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस के साथ बताऊंगी कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर टूल भी बताऊंगी जिसके मदद से आप इस काम को कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको वीडियो को यहाँ पर एंड तक वॉच करना है क्योंकि इसका वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, बिकॉज मैंने आज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा वेबसाइट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है AI डिटेक्टर प्रो। इस वेबसाइट के हेल्प से आप यहाँ पर जो है अपने राइटिंग वर्क को यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। राइटिंग वर्क आपको प्रॉपरली बनाने आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके ही आपको यहाँ पर काम मिलेगा। अगर आप ठीक से यहाँ पर राइटिंग वर्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो ऑफकोर्स आपको काम नहीं मिलेगा। एंड आप तो जानते हैं कि राइटिंग वर्क में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि आप यहाँ पर जो है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर गोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आपको यहाँ पर स्किल को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है वो सब आपको बेसिक चीजें यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर AI डिटेक्टर प्रो ये वेबसाइट लेकर आई हूँ जिसके हेल्प से यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को प्रॉपरली यहाँ पर सिस्टमैटिकली बेटर मैनर में यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे आपको लिखना है, कैसे यहाँ पर आर्टिकल्स को बनाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो एंड तक आपको वीडियो को यहाँ पर वॉच करना है। तो बेसिकली गाइस इस टूल के हेल्प से आप अपने राइटिंग वर्क को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने राइटिंग वर्क को यहाँ पर सिस्टमैटिक बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर यहाँ पर जाना है। वेबसाइट का नाम है AI डिटेक्टर.pro। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है जिसके हेल्प से आप अपने राइटिंग वर्क को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पर मेंशन है कि डिटेक्ट एंड वाइप द ट्रेसेस ऑफ AI इंस्टेंटली। AI के ट्रेसेस को आप वाइप ऑफ कर सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर इन्होंने सैंपल भी यहाँ पर दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने स्क्रोल डाउन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 75,000 यूजर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। वो लोग यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को ह्यूमनाइज यहाँ पर करवा रहे हैं, AIDP के मदद से वो लोग यहाँ पर इस चीज को अचीव कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पर ट्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिव्यूज भी है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जहां पर भी फिंगरप्रिंट्स ऑफ AI है आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसे वो इरेज करने में यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी मेंशन है एंड साथ ही साथ यहाँ पर सैंपल भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर वेबसाइट फंक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है कि आप यहाँ पर AI डिटेक्शन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, उसे आप यहाँ पर ह्यूमनाइज कर सकते हैं, ह्यूमन टच, ह्यूमन तड़का आप यहाँ पर डाल सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपको ह्यूमन टच यहाँ पर देना है, उस चीज को भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आपको टोन एनालिसिस का रिपोर्ट भी मिलता है जिस पर आप समझ लेते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कोई भी राइटिंग वर्क यहाँ पर करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आप प्रॉपरली यहाँ पर जो सिस्टमैटिक वे में अपने राइटिंग वर्क को यहाँ पर इसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है जिसमें आप यहाँ पर विद इन 2 to 3 minutes में अपने अकाउंट को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है जिसमें आप नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, विच रोल फिट्स यू द मोस्ट, ठीक है। तो उस चीज को आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। राइटर, SEO, राइटिंग, कंटेंट, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग को मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर राइटिंग करना चाहते हैं, कॉन्टेंट राइटिंग करना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा यहाँ पर जो है फोकस है फ्रीलांसिंग के वर्क पर, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर इस चीज को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि कहाँ से आपको AIDP के बारे में पता चला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर YouTube को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू, कौन से टाइप ऑफ कॉन्टेंट आपके लिए यहाँ पर जो है यूजफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने टिप्स ऑन यूजिंग AI इन माई फील्ड पर सिलेक्ट किया है। काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद आपको टर्म्स एंड पॉलिसीज को यहाँ पर समझना है, टिक करना है, फिर रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगा जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। हार्डली 3 minutes में आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, तुरंत से आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो है डिटेल्स है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन कर दिया। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट बना लिया है। तो आप यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड को देख सकते हैं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं यहाँ पर जो स्कैन करवाना चाहती हूँ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है, आर्ट ऑफ कुकिंग पर मैंने यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे खासे चेंजेस ला सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चेंजेस लाना है, मुझे इस आर्टिकल को और बेहतरीन बनाना है, बेटर बनाना है, ठीक है। तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पर जो है इस आर्टिकल के हेल्प से यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स को भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास ऐसा राइटिंग वर्क है, तो उसको बेहतरीन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इस टूल की हेल्प लेने वाली हूँ। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सिलेक्ट किया है, कॉपी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो इस वेबसाइट को ओपन किया है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू एआई स्कैन का, उसको मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर उस आर्टिकल को मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है, कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट कर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने एनालाइज पर क्लिक किया है। अभी ये स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या क्या डिटेक्ट करता है, वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई डिटेक्शन यहाँ पर हुआ है, 98% का एआई यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। तो मुझे इसको ह्यूमनाइज करना होगा, मुझे इसको ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाना होगा, ह्यूमन कॉन्टेंट बनाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस आर्टिकल पर क्लिक करूंगी, रिपोर्ट के सेक्शन पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड है कि द कंटेंट वाज मोस्टली लाइकली रिटन बाय एआई, यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको, साथ ही साथ यहाँ पर टोन एनालिसिस भी है, सारा इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। इस आर्टिकल के रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन विद एआई इरेजर पर क्लिक करना है, जिस पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा, एंड इस टूल के हेल्प से आप यहाँ पर ठीक से अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसा पेज है आपके सामने, यहाँ पर आप रेड देख सकते हैं, येलो देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया, ठीक है। ऑरेंज का मतलब ये होता है कि रेड से थोड़ा कम, लेकिन मोस्टली ये एआई से क्रिएट किया गया है। फिर उसके बाद येलो आता है, येलो में भी यहां पर इन्होंने यही बोला है कि मोस्टली ये क्रिएटेड बाय एआई है, तो उस चीज को इन्होंने यहां पर सिग्निफाई किया है। उसके बाद आप ब्लू हाईलाइट एंड बोल्ड भी यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आप जीपीटी ओवरयूज वर्ड्स देख सकते हैं, ब्लू हाईलाइट विदाउट बोल्ड भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबका मतलब आपको यहां पर इन्होंने एग्जैक्टली आपको बताया, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप यहां पर एक एक वर्ड को यहां पर चेंज करें, जैसे कि इन्होंने यहां पर सजेशन दिया है कि कौन से वर्ड को मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक एक वर्ड को अगर मैं करती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम यहां पर लग जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया है कि कौन से वर्ड को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। तो एक एक चीज को अगर आप करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट को यहाँ पर जो है ह्यूमनाइज करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मोर ह्यूमन बेटर राइटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है इरेजर टूल्स के सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर जो है ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर सजेस्ट पैराग्राफ ह्यूमनाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें एक एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर ह्यूमनाइज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट को ह्यूमनाइज करना चाहती हूँ। मेरा क्लाइंट यहाँ पर खुश होना चाहिए, तो मुझे प्रॉपर अपना राइटिंग वर्क यहाँ पर मेरे क्लाइंट को देना है, तो इसके लिए मैं प्रॉपरली यहाँ पर जो है उसे ह्यूमनाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीराइट यहाँ पर होता है, 10 मिनट्स तक लग सकता है टाइम, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा कम टाइम में भी यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट जो है वो ह्यूमनाइज हो जाएगा। देख सकते हैं रीराइटिंग यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर रीस्कैन करना होगा, रीस्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये कंप्लीटली ह्यूमन डिटेक्टेड हुआ है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं मैंने रीस्कैन कर लिया, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन डिटेक्टेड यहाँ पर मेंशनड है। तो इस वे में आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। जो मैंने प्रोसेस आपको एक एक बताया है वही स्टेप्स को आपको फॉलो करके यहाँ पर ह्यूमनाइज करना है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप ह्यूमनाइज करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको इनके प्लान को भी चेकआउट करना है। अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक साथ ह्यूमनाइज करना चाहते हैं तो आपको इनके प्लान को भी चेकआउट करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लान चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर जा रही हूँ डायरेक्टली, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लान का सेक्शन आपको मिलेगा। तो मैंने करंटली यहाँ पर जो है $24 का इनका प्लान लिया है, $24.99 का प्लान दिया है, यहाँ पर 50% ऑफ है। ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 50% ऑफ यहाँ पर मिलेगा, जिसमें मुझे अनलिमिटेड एआई स्कैन्स यहाँ पर मिल रहा है, अनलिमिटेड ह्यूमनाइजेशन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिन पॉइंट एडिटर, टोन एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इस प्लान को मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किया है। तो ऑफकोर्स आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ह्यूमनाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लान को ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर $13 का भी प्लान है, जिसमें 103 एआई स्कैन्स पर मंथ के हिसाब से है, अनलिमिटेड ह्यूमनाइजेशन है। तो आप ये प्लान भी यहाँ पर ले सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। फ्री प्लान में आपको यहाँ पर 3 AI scans मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से, 0 humanization per month, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है सब कुछ समझ लेना है इनका प्लान के हिसाब से। ईयरली प्लान, मंथली प्लान आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ईयरली प्लान भी है इनका $139 का, $249 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन को समझ लेना है, क्या क्या यहाँ पर पर्क्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, सब कुछ आपको यहाँ पर रीड करके यहाँ पर जो है प्लान को एक्टिवेट करना है और अपने टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज है
कि आप यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एफिलिएट का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर जो है अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है 20% तक का कमीशन यहाँ पर मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है आपको रूल्स भी बताया कि कैसे आपको यहाँ पर जो है इस चीज को करना है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है इनका अग्रीमेंट को डाउनलोड करना है, फिर इनको यहाँ पर जो है अग्रीमेंट को साइन करके इनके मेल आईडी पर यहाँ पर भेजना है। ठीक है, अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कमीशन यहाँ पर मिल सकता है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो अभी आपको बता दिया कि कैसे आप यहाँ पर अपने राइटिंग मटेरियल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कौन से वेबसाइट्स पर आप यहाँ पर राइटिंग जॉब्स को ढूंढ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगी। तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, उसका नाम है fiverr.com, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे कैटेगरीज के वर्क यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में कितने सारे कैटेगरीज मिलते हैं, आर्टिकल राइटिंग आप कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पर गोस्ट राइटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग है, रेज्यूमे राइटिंग है, काफी सारा वर्क यहाँ पर आपको दिखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर पेमेंट ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पर अपने गिग्स को बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे लोगों का यहाँ पर गिग्स है, यहाँ पर ये पर्सन जो है 7000 चार्ज कर रहा है, 1300 चार्ज कर रहा है। जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, आप ज्यादा से ज्यादा चार्जेस यहाँ पर ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्सन जो है यहाँ पर एसईओ आर्टिकल राइटिंग यहाँ पर कर रहा है 1000 में, यहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, 3000 में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे आप अपने गिग को बना सकते हैं, बता सकते हैं कि आप यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, एंड यहाँ पर अपने प्राइस को मेंशन कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा कम प्राइस रखिए फ्रेंड्स, फिर आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000 4000 ऐसे में सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर कोई भी जो है गिग पर जाना है, सारा डिटेल्स आपको देखना है, कैसे उन्होंने गिग बनाया सब कुछ आपको देख लेना है, एंड देन डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है इस वेबसाइट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को बनाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को डालेंगे एंड फिर गिग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर fiverr.com को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और वेबसाइट है जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी वो है कॉन्ट्रा करके आप सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस टाइप का पेज आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर फ्रीलांसर्स का सेक्शन है, जिसमें आप यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, अपने स्किल को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने राइटिंग के सर्विसेज को यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको साइन अप करना होगा, एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर ज्वाइन करना होगा और अपने राइटिंग के वर्क को यहाँ पर भी आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी डेफिनेटली अच्छा है। वैसे ही गाइज, आप यहाँ पर freelancer.in इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है जॉब्स के सेक्शन पर मैं गई हूँ और मैंने यहाँ पर राइटिंग करके यहाँ पर जो है टाइप किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे राइटिंग के वर्क है, 5000 रुपीज का है, 300 रुपीज का है, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, आपको यहाँ पर रियल जॉब्स ढूंढने हैं, रियल जॉब्स को आइडेंटिफाई करके उस पर आपको अप्लाई करना है, वेरीफाइड जॉब्स भी आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। तो ऐसे वे में आप यहाँ पर जो है अपने राइटिंग के सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने तो आपको टूल्स भी बता दिया है कौन से टूल के हेल्प से आप यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, अपने राइटिंग के सर्विस को यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी सारे जॉब्स है, इसमें भी आपको अपना गिग बनाना है, ठीक है, अपने आपको रजिस्टर करना है, सारा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालकर आप यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। तो ये भी वेबसाइट डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी वेबसाइट आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, अच्छा वेबसाइट है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है simplyhire.co.in, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं काफी सारे जॉब्स हैं, मैंने यहाँ पर राइटिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो आपको राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पर जॉब्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राइटिंग करके टाइप किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइटिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स है वो आप यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ पर भी आपको रियल जॉब्स को आइडेंटिफाई करके उस पर अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमोट जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है, सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ मेंशन्ड है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए सुटेबल है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको क्विक अप्लाई पर क्लिक करना है, अपने डिटेल्स को डालकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे वेबसाइट्स यहाँ पर अच्छे हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं फॉर राइटिंग वर्क, और मैंने साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया है कि कैसे आपको यहाँ पर एक टूल के हेल्प से, AI डिटेक्टर प्रो के हेल्प से कैसे आप यहाँ पर इस वर्क को कर सकते हैं। तो आज ही आपको गाइज यहाँ पर जो है AI डिटेक्टर प्रो को यहाँ पर ट्राई करना है, इनके प्लान्स को चेकआउट करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं।